गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोई प्लेयर बताओ, 3D वीडियो चलानी है और इंस्टॉल नहीं हो रहा है। हम APK फाइल भी इंस्टॉल कर रहे हैं और हो नहीं रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की आज इस पे और आखिरकार मुझे ये प्लेयर मिल गया। ये इसके कंपैटिबल है, ऑन M18 UP प्रोजेक्टर के कंपैटिबल है ये। बड़ी मुश्किल से ये फाइल मिली, बाकी की फाइल जो है APK वो इंस्टॉल नहीं हो रही थी। तो मैंने मोबाइल से APK फाइल ढूंढी और उसके बाद पेन ड्राइव में डाली। पेन ड्राइव डालने के बाद इसमें इंस्टॉल की मैंने प्रोजेक्टर में। डाइम प्लेयर, 3D प्लेयर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आप अगर ढूंढेंगे तो कई कंपैटिबल नहीं, आपका टाइम ख़राब होगा। और इसका जो प्ले स्टोर है M18 UP का, उसमें अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करें। कम से कम मैंने 10 प्लेयर इंस्टॉल करके देखे, इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टाइम की बर्बादी, आप टाइम बर्बाद ना करें। जैसे जैसे आपका मैक्स प्लेयर हो गया इसके प्ले स्टोर में, ए प्लेयर हो गया और BLC हो गया, उनमें ऑप्शन ही नहीं आते 3D के। अगर आप इंस्टॉल भी कर लोगे ऑप्शन नहीं आएगी, तो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करें। डॉइम 3D प्लेयर की वर्किंग से पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। प्रोजेक्टर के साथ, ऑन M18 UP प्रोजेक्टर के साथ ये मुझे 2 ग्लासेस मिले थे, 2 पीसेस, और ये हैं रेड सयान कलर के हैं, और ये बिल्कुल बेसिक सी टेक्नोलॉजी है। आप इसको लगा के मोबाइल पे भी 3D देख सकते हैं, और बस आपको 3D वीडियो चलानी पड़ेगी। 3D वीडियो चलाओ और इसको लगाओ, इफ़ेक्ट आएगा। उतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब आएगा इफ़ेक्ट। डिपेंड भी करता है कि वीडियो किस क्वालिटी के है। लैपटॉप पे भी, LED TV पे भी, जो सिंपल LED TV। असली 3D का मज़ा तो पोलराइज्ड ग्लासेस में आता है, उसके लिए प्रोजेक्टर महंगे आते हैं, और या फिर एक्टिव ग्लासेस होते हैं, चार्ज हो जाते हैं। 3D LED आती हैं मार्केट में, वो भी महंगी आती हैं। ये बस अपना एक टाइम पास है कह सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपको 3D मूवी चलानी पड़ेगी, वो मैंने पेन ड्राइव में डाल रखी है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इस प्लेयर की हम वर्किंग देखेंगे, डाइम 3D प्लेयर की वर्किंग देखेंगे। तो इस प्लेयर को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये इसका इंटरफेस आ गया। तो ऊपर से अगर आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे है लोकल मीडिया। लोकल मीडिया ही रहने दो, क्योंकि मैंने पेन ड्राइव में मूवी डाल रखी है। तो आप देखो, फर्स्ट, सेकंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिमोट से डाउन वाला एरो की, डाउनवर्ड एरो की, फिर ये रही आपकी पॉलन किंगडम 3D। ये इसको मैं प्ले करूँगा, ये आ गई, रिमोट से दबाया बटन, इसको मैं डाउन एरो की से, रिमोट से, अब इसको ओके से प्ले करो, ओके बटन दबा के। अब आप देखोगे कि इसमें 2 बेंस आ रखे हैं, लेफ्ट राइट। तो आपने क्या करना है, रिमोट की जो डाउन एरो की है, रिमोट से वो दबानी है। दबाने के बाद आप देखो, मैं फर्स्ट पे पहुंच गया पॉज वाले बटन पे, फिर 3D वाला बटन, ये रहा 3D, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा फोकस कर दूँ, यहाँ पे बस आप, मैं बोल रहा हूँ आप 3D पे, 3D को सिलेक्ट करना। 3D सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा, थोड़ा मैं क्लोज होकर दिखाता हूँ आपको।
आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आवाज़ कम कर दूँ इसकी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लेफ्ट राइट, क्योंकि देखो आपके एक इधर विंडो है, इसके एक इधर है, लेफ्ट और राइट में है, तो आप ये वाली ऑप्शन करोगे सिलेक्ट। ये वाली ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ रिमोट के जरिए। जब आपने लेफ्ट राइट वाली सिलेक्ट कर दी तो देखो एक हो गई, एक विंडो बन गई, दो खत्म हो गई। पहले लेफ्ट और राइट में आ रहे थे, अब क्या हुआ एक विंडो है। ठीक जी, अब क्या करेंगे हम, इसमें नीचे जो ऑप्शन है वो किस लिए है, टॉप बॉटम। अगर मूवी दो भागों में है, ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम में, तब इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन जरूरत पड़ने पर, मेन तो यही है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप मेन्यू के राइट हैंड साइड, जहाँ पे लिखा है ग्रीन मैजेंटा, रेड सियान, ब्लू एम्बर, और जो भी आपके ये गॉगल्स हैं, ग्लासेस हैं, उस कलर को सिलेक्ट करें। जैसे मेरे पास ये रेड सियान है, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आपके पास 3D मूवी डाउनलोड कर रखी है आपने और आप उसको 2D देखना चाहते हो, तो यहाँ से ये रहा 2D ऑप्शन, ये वाला, यहाँ से आप सेलेक्ट करके वही मूवी 3D वाली 2D बन जाएगी। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं है कि 2D आप लोड करें, 3D वाली ही 2D बन जाएगी। अब इसमें क्या था, लेफ्ट राइट ऑप्शन की हमने, और ग्लासेस का कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने कर दिया डन। इतना ही है इसमें। अब आपके सामने है एक विंडो बन गई है। अब इसको थोड़ा मैं फॉरवर्ड करूंगा, ये अब आपकी मूवी 3D चल रही है। डिपेंड करता है कि मूवी की क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो इफेक्ट भी अच्छा ही आएगा। किसी ने मुझे बोला था कि इफेक्ट दिखाया जा सकता है मोबाइल पे, तो आपके सामने है, ऐसे नहीं इफेक्ट आता, क्योंकि जब हमारी आईज़ पे ही लगते हैं तब इफेक्ट आता है, क्योंकि दो डिफरेंट कलर के कारण हमें डेप्थ क्रिएट होती है और तब 3D बनती है। इस टॉपिक को मैं कभी डिटेल में फिर कवर करूँगा, तो मैंने आपको दिखा दिया अभी, ऐसे नहीं कवर होगा ये, मतलब शो नहीं होगा गॉगल्स में, वो तो आप जब लगाएंगे तभी। इसके बाद हम ऑनलाइन YouTube पे अगर मूवी देखनी है 3D सर्च करके, वो दिखाऊंगा अब मैं। ये तो होगा आपका ऑफलाइन, पेन ड्राइव में डाली और उसके बाद देखी, ठीक है, प्लेयर में सेलेक्ट कर ली, चूज़ कर ली पेन ड्राइव पाथ, और उसके बाद चलाइए इसको अब YouTube पे। अब प्लेयर से बाहर आएंगे हम, ये इसका इंटरफेस, बाहर आ रहे हैं हम। ये मैंने प्रोजेक्टर में ही YouTube चलाई है, इस वाली वीडियो में, इस वाली में इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है। अलग अलग वीडियो हैं, किस में इफ़ेक्ट अच्छा आता है, किसी में कम आता है, ज़्यादा आता है, वो आप देखते रहना। और कई मतलब लेफ्ट राइट दो विंडो वाले भी एक साथ वीडियो चलती है, आप एक वाली ही देखना इसमें, और ये वाली वीडियो चला के देखते हैं।